इस बार अमित शाह जी आए हुए हैं खैरागढ़ में और इस बार पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है पूरे भरे गर्मी में, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे छत्तीसगढ़ में शादी का माहौल चल रहा है, हाँ हाँ। उसके बाद भी अमित शाह जी के सभा में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, हाँ हाँ। आज कुर्सियां खाली नहीं थी, जितने लोग कुर्सी में बैठे थे उतने लोग ऐसे खड़े भी थे अगल बगल में, और बाहर में ऐसे लोग घूम रहे थे। इतनी बड़ी जन सैलाब ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व का के कारण ये सब संभव हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सैकड़ों साल पुराने 500 साल पुराने राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का विषय चल रहा था, जिसको कांग्रेस जिसका अस्तित्व को नकारती थी, ऐसे राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर इस देश में बना करके इस देश के भावनाओं को प्रकट करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अगर 15 रहती 18 रहती तो पूरे के पूरे 100% सीट जीतकर छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी के झोली में जो 400 सीट का पार का सपना लेकर के चल रहे हैं, वो 400 सीट का पार का सपना पूरा होगा। ये हम नरेंद्र मोदी जी को ये आश्वस्त करते हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू धर्म की राजनीति करती है, ईडी कार्रवाई करती है, लोगों को डरवा रही है, अपने पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। देखिए, इस देश का संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। जी जी, हिंदुओं का देश है। हाँ हाँ। जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर, हाँ हाँ। जब कंवरधा का विधायक था, छत्तीसगढ़ शासन का मुख्यमंत्री था, रोहिंग्याओं को बसाने का काम, हाँ हाँ। फर्जी मतदाताओं को वहाँ बसाने का काम, फर्जी वोटर आईडी बनवाने का काम जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर ने किया, आज उसका ही फलस्वरूप ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के जनता जागरूक हो चुके हैं कि ऐसे रोहिंग्याओं को, जो देश को तोड़ने वाला बात करता है, जो देश को तोड़ने का काम करता है, ऐसे कांग्रेस की सरकार को, ऐसे भूपेश बघेल की सरकार को, जो भूपेश बघेल महादेव में 508 करोड़ रुपए का घूस लेता है, ऐसे आज राजनांदगांव में घुसने की कोशिश कर रहा है। राजनांदगांव की जनता और कवर्धा की जनता ने यह ठान लिया है कि ऐसे भूपेश बघेल को कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से हरा करके हम इसको वापस पाटन भेजेंगे, और इसके पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ घर में बैठेगा। ये काम हम राजनांदगांव लोकसभा का जनता ये काम उनको सौंपने वाला है। लेकिन लोग भी ये तो भी कहते हैं कि इधर पक्का है, डेफिनेटली है कि 100% प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन रहे हैं। देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। आप जैसे पूछे, लोग पीछे हंसने लगे। हाँ हाँ। इनकी तो 50 सीट भी नहीं आ रही है। जी जी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। इंडिया गठबंधन की भी 50 सीट नहीं आने वाली, ये देश की जनता जानता है। और राहुल गांधी जो अपनी सीट अमेठी रायबरेली नहीं बचा सकते, वो वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और वायनाड की जनता भी इस बार जवाब देगी, वहाँ से भी ऐतिहासिक वोटों से राहुल गांधी हारेगा, ये तय है। क्योंकि उसके पास न उनको बोलने आता है, न बातचीत करने आता है, न नीति है, न नियत है, न मेहनत है, कुछ भी नहीं है। इटली भेजेंगे इनको, इटली भेजने का काम इस देश की जनता करेगी। थैंक यू।